नमस्कार प्रिय धनुराशि वाले, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय धनुराशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पूरा का पूरा जनवरी महीने का संपूर्ण राशिफल, यानी ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम से संपत्ति, संतान, शिक्षा, जो जीवन के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। प्रिय धनुराशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। सबसे पहली जानकारी यह है तो ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित, कुछ लोगों को दिक्कत होता है तो आप लग्न से भी देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी या शुभ समाचार में बताऊं तो प्रिय धनुराशि वाले, 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में समाप्त हो रही है शनि की 7.5, जिसका प्रभाव जीवन पे क्या बनेगा इसकी संपूर्ण वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, फिर भी मैं कुछ वीडियो आगे जीवन के लिए अच्छे बनाने के लिए अपलोड जरूर करूंगा। तो चलिए प्रिय धनुराशि वाले, प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 2023 का पहले महीने, यानी 1 से लेकर 31 जनवरी के मध्य का हाल। प्रिय धनुराशि वाले, सर्वप्रथम में अगर आपके कर्म क्षेत्र की बात करूं तो कर्म क्षेत्र कारक बुध जो है वह 18 जनवरी तक लग्न में बकरी रहेंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए शुभ समाचार ही बोल सकता हूं कि पूरे महीने कर्म क्षेत्र को अपनी 7वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति देखेंगे। लग्न का मालिक कहीं भी विराजमान हो या उसकी दृष्टि कहीं भी जाए तो शुभ कार्य ही होता है, और बृहस्पति के दृष्टि में निश्चित तौर पर अमृत पाया जाता है। 18 जनवरी तक जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत के अनुसार पूर्ण रूपेण फल नहीं मिलेगा। 18 जनवरी तक कर्म क्षेत्र में थोड़ी अस्थिरताएं, परेशानी और संघर्ष रहेंगी। 18 जनवरी को जैसे ही कर्म क्षेत्र कारक बुध मार्गी हो जाएंगे तो बृहस्पति का भी प्रभाव शुभ तौर पे पड़ना चालू हो जाएगा, यानी 18 जनवरी के बाद नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग देखने को मिलेंगे। 18 जनवरी को जिनको लगता था कि 18 जनवरी के बाद जिनको लगता था कुछ नहीं हो सकता, जीवन में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, 18 जनवरी तक इंतजार कीजिए। 18 जनवरी के बाद समय 100% सही होगा। क्या है ना, जब ग्रह अच्छे होते हैं तो मनुष्य का मन भी बदलता है, इसीलिए अपने जीवन में 18 जनवरी तक किसी भी हाल में आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए। अगर नौकरी व्यवसाय में बदलाव की बात करूं तो नौकरी व्यवसाय का कारक जो है आपके जीवन में वह बदलाव से रिलेटेड शुक्र और शनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि 22 जनवरी तक कुछ न तो कुछ नौकरी व्यवसाय में बदलाव बेहतर देखने को मिलेंगे, लेकिन 17 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा और सरकारी कर्म क्षेत्र से भी प्रभाव जो है आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद बेहतर परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा की क्या स्थिति रहेगी, 22 जनवरी तक जो है आयस कारक शुक्र धन स्थान में है और सूर्य जो है भाग्य का मालिक वो केंद्र में है। 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है वो धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा ही ये भाग्यश द्वितीयश होगा तो आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय के बदलाव के हेतु या किसी भी कारण से जो है आप विदेश यात्रा की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। किसी कारण से डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, वीजा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं या PR से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, मंगल की द्वादश स्थान पर दृष्टि इस सभी प्रकार के समस्याओं से आपको बचा देगा। यानी 14 जनवरी के बाद आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग सबसे प्रबल देखने को मिलेगा और 22 जनवरी के बाद तो जाना तय है, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाने का कोशिश करना है। अगर मैं बात करूं इनकम यानी आय की स्थिति कैसी रहेगी, प्रिय धनुराशि वाले, ऐसे तो समाज और दुनिया और परिवार को आप लेकर के चलते हैं जिसके कारण आपके पास खुद से पैसे तो जमा हो नहीं पाते, लेकिन अगर कोई भी ग्रह आय कारक होकर के मजबूत स्थिति में आ जाए तो धन की बढ़ोतरी निश्चित तौर पे करता है। तो आपके आय कारक शुक्र जो है हुआ धन स्थान में 22 जनवरी तक है, जो स्वयं एक राजयोग की स्थिति में है। धन कारक ग्रह शनि स्वयं धन स्थान में बैठे हुए हैं और बृहस्पति जो है स्वयं हंस नामक राजयोग को उत्पत्ति करके रखा है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी होती है उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती, भले वो उस स्थान का कारक हो या ना हो। और आपकी कुंडली में तो बृहस्पति स्वयं कारक होते हैं क्योंकि लग्न के मालिक होते हैं। यानी पूरे महीने खासकर 22 जनवरी तक पैसे आएंगे, कर्ज मुक्ति होगा। 22 जनवरी तक मेंटल पीस मिलेगा,
22 जनवरी तक अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे और रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास, मित्रों के पास, सरकार के पास जो आपके पैसे फंसे हुए हैं आपको लिख देता हूं, 17 जनवरी के बाद निकलना चालू हो जाएगा। प्रमोशन, पदोन्नति, इंश्योरेंस या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पैसे फंसे हुए हैं वह 14 जनवरी के बाद निकलना चालू हो जाएगा। यानी आपके जनवरी महीने में साल के शुरुआत में धनुराशि वाले कहीं से भी धन की कमी है ही नहीं, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाने का कोशिश करना है। अगर मैं बात करूं इसके बाद कैसा रहेगा विवाह और दाम्पत्य जीवन का हाल, जिसमें लव लाइफ की चर्चा तो करना बनता ही है। ऐसे तो निश्चित तौर पे कई समय से लव लाइफ की स्थिति बहुत खराब चल रही है और वैवाहिक जीवन में भी इमोशनल अटैचमेंट में कमियां देखने को मिल रही हैं। विवाह कारक बुध जो है वह 18 जनवरी तक वक्री है, लेकिन देख तो अपने स्वयं की राशि को धनु राशि से सप्तम स्थान में, लेकिन 18 जनवरी के बाद जैसे ही बुध मार्गी होगा तो विवाह के योगों में प्रबलता देखने को मिल जाएगा। लेकिन 14 जनवरी तक सूर्य सप्तम स्थान पर विराजमान है। सूर्य की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ना या सूर्य सप्तम स्थान पर विराजमान होना सातवें भाव के प्रभाव को बढ़ाता जरूर है, लेकिन वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। और केतु की भी दृष्टि ऑलरेडी आपकी कुंडली में पड़ रही है। सीधी बात, 14 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगा, अस्थिरताएं रहेंगी, मतभेद रहेगा, ससुराल पक्ष से परेशानियां देखने को मिलेंगी। जैसे ही सूर्य द्वितीय हो जाएंगे 14 जनवरी के बाद विवाह के योग अच्छे आएंगे, लव लाइफ की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा और साथ में जो है 18 जनवरी से जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो प्रेम से विवाह के योगों के अलावा दांपत्य जीवन में सुधार होना तय है, इस बात की गारंटी है। और 18 जनवरी के बाद ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे, इस बात की भी 100% में सियोरिटी गारंटी देता हूं धनुराशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान संपत्ति और माता पिता से आपके तालमेल का हाल पूरे के पूरे 31 दिनों में, देखिए आपके फोर्थ हाउस पे बृहस्पति हंस नामक राजयोग उत्पत्ति करके रखा है, लेकिन 17 जनवरी तक शनि की तृतीय दृष्टि मीन राशि पे है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सूर्य जो पिता कारक है यह लग्न में तो जरूर बैठे हुए हैं, यानी पूरे महीने पिता से तालमेल तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद माता से मतभेद कमेंगे, माता से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे और 17 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन का 100% योग बनता है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद इनकम के योगों में वृद्धि हो जाएगी। यानी 17 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन का योग है। अगर 17 जनवरी से पहले आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं संभल जाएं, रुक जाएं, कोशिश करें यह समय को टालने का। समय अगर टालने की कोशिश की जाए तो जिंदगी में हर चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए आपको किसी भी सिचुएशन पे समय को टालना चाहिए धनुराशि वाले 17 जनवरी तक। इसके बाद मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा आपके जीवन में शिक्षा संतान का हाल। देखिए संतान कारक स्थान में तो राहु बैठा हुआ है और संतान अधिपति पंचम भाव के मंगल सिक्स हाउस में कारक स्थान पे है, लेकिन केतु की दृष्टि से निश्चित तौर पे पड़ ही रही है। मैं बहुत ही स्पष्ट बताना चाहता हूं, ऑलरेडी लव लाइफ की स्थिति खराब है, संतान में दिक्कतें और परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं। 17 जनवरी तक संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा, 17 जनवरी तक संतान से मतभेद में कमियां देखने को मिलेंगी, 17 जनवरी तक जो है तरक्की के रास्ते संतान संबंधित तो ठीक है, 17 जनवरी के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, संतान से विवाद हो सकता है, ये प्रथम संतान की बात कर रहा हूं और थोड़ा सा प्रथम संतान को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन 18 जनवरी तक या 18 जनवरी के बाद भी आपके द्वितीय संतान से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, द्वितीय संतान के भविष्य, फ्यूचर, विवाह, उसकी शिक्षा, करियर, धन संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं, हालांकि देखिए माता पिता तो इक्वल होते हैं, सोचते तो सभी के लिए है, लेकिन द्वितीय संतान की तरक्की में बाधा है तो वह ठीक हो जाएगा 18 जनवरी से। तृतीय संतान की समस्याएं 17 जनवरी से 100% सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं यही बोलूंगा, उच्च शिक्षा में आपको जाना है, किसी रिजल्ट वगैरह में आना है, कहीं एडमिशंस कराने हैं, तो 17 जनवरी से पहले पहले कोशिश करें, इसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अतः इस मामले में कोशिश कीजिए समय नहीं टालने की। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का हाल, सिक्स हाउस का मंगल पूरे महीने आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, लेकिन सिर दर्द, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी और क्रोध जो ज्यादा आ रहा है और रात में जो नींद की समस्याएं हो रही है ना, ये 14 जनवरी के बाद से ठीक हो जाएंगी।
इसके अलावा केस मुकदमा की बात करूं, पूरे महीने केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजय प्राप्त करेंगे, बस एफर्ट लगाने की जरूरत है। उपाय, पूरे महीने सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, 14 जनवरी तक जल में रोड़ी डाल करके या लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद ना हो। इसके अलावा जो है गणेश चालीसा या गणेश पूजा करें, 100% परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो प्रिय धनुराशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीने का संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। नए हैं चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।